हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक नई चीज़ आपके लिए लाए हैं, इगुआनास। अब बहुत लोग जो मेरे रेगुलर कस्टमर्स हैं उन लोग को स्टेटस पे दिखते रहेंगे, मैं बहुत टाइम से बेच रहा हूँ पर वीडियो इसका फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, एक प्रॉपर वीडियो। मतलब बहुत लोग मेरे को पूछ रहे थे कैसे पालना, क्या पालना और कस्टमर समझ सके, उसके लिए इसका ब्लॉग बना रहा हूँ आज। इगुआनास है ये, अभी मेरे पास दो कलर्स है, दो ग्रीन कलर वाले हैं और एक ये रेड कलर है। ये पाइड बोलते हैं इसको, उसको पाइड उस वजह से बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीन पूरा रेड कलर का रहता है और जो उसका बॉटम है वो ग्रीन कलर का रहता है, एज अ ग्रीन इगुआना। जैसे ये देखिए, और बहुत सुंदर पीस है, बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं। और ये पेट किसने पालना चाहिए, क्यों पालना चाहिए, उसके बारे में रहेगा। ये पेट जो वेजिटेरियन चीज़ ढूंढ रहे कि वेज खाने वाली कोई चाहिए अपने को, उसके लिए सबसे सही चीज़ है ये। वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन है, कोई कार्निवरस नहीं है, हर्बीवरस है ये पूरी तरह से। इसको चाहिए पम्पकिन, फिर कोथम्बीर मतलब कोरिएंडर, सेकेंड चीज़ लीटस, बाद में अपना जो भी शेविंग्स कर सकते हैं जैसा बीटरूट हो गया, गाजर हो गया, पम्पकिन हो गया, फिर अपना कोरिएंडर हो गया, लीफी वेजिटेबल्स हो गया, वो दे सकते हैं। इसको आप मजूरी का फूड भी दे सकते हो, मजूरी का इसका स्पेशल फूड आता है बेबी इगुआना का, वो दे सकते हो। ये अपना एक बेबी इगुआना अभी छोटा साइज़ है, इसको बड़े होने में टाइम लगेगा, ये 2 फीट तक बड़ा होगा। मेन चीज़ अभी इसका है इसको केयर कैसे करना है। जैसे टर्टल है, एक एम्फीबियन है, वैसा ये भी एक रेप्टाइल है। इसको आपको रोज बास्किंग प्रॉपर देना है, बास्किंग में आपको आप सनलाइट में भी रखो और एक बास्किंग लाइट कंपलसरी लेना ज़रूरी है। आपको मैं बास्किंग लाइट दिखाता हूँ, इस तरह से बास्किंग लाइट चाहिए और उसमें नॉब रहा तो एक नंबर काम हो जाएगा कि आप लाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं, वो बहुत आपके लिए बेटर हो जाएगा। ये सारे पेट शॉप्स में मिल जाता है, अगर आपके पेट शॉप में नहीं मिल रहा है तो मेरे से आप ऑर्डर कर सकते हो, मैं आपके यहाँ भिजवा दूँगा। आपको इगुआनास भी अगर कहीं पे भी चाहिए मुझे आप बता सकते हैं, मैं आपको भिजवा दूँगा। और इसका मेंटेनेंस ऐसा है, और एक चीज़ इसकी है कि इसको आपको रेगुलर एक वाटर बाथ देना पड़ेगा। वाटर बाथ दोगे तो अच्छी ग्रोथ रहेगी और प्रॉपर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स देना। एंक्लोजर कैसा बनाना है, एंक्लोजर इसको एटलीस्ट 30x18 का एक ग्लास टैंक बनाइए या फिर प्रॉपर कवर ये बनाइए, क्योंकि इसके भाग सकता ही है, मतलब चले जाएगा तो मिलेगा नहीं आपको वापस से। और सेकेंड चीज़ प्रेडिएटर इसके, ये जैसे डॉग कैट्स अगर आपके पास है और वो अगर पोजेसिव है, वो अगर झगड़ालू है तो इस पर अटैक कर सकते हैं, तो बस ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत बड़ा होता है, उस हिसाब से लीजिएगा इसको। सेकेंड, आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो मुझे पिन में कमेंट्स पर डालिए, मैं आपको आंसर्स दूंगा। और इसका एंक्लोजर का मैं अच्छा वीडियो बनाना चाहता हूँ, किस किस को एंक्लोजर का देखना है वीडियो मुझे डालो व्हाट्सएप पे, सॉरी अपना कमेंट्स पर डालो, मैं आपको भेजता हूँ उसका।